नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता ने 40 घंटे जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। पीड़िता को गुरुवार रात को ही 95% जली हालत में अस्पताल लाया गया था। उसकी हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन फिर भी उसमें जीने का जज्बा था। उसकी हिम्मत डॉक्टरों को भी हैरान कर रही थी। वो जीना चाहती थी ताकि अपने गुनहगारों को अपनी आंखों के सामने फांसी लगते देख सके। वो बार बार अपने भाई से पूछ रही थी कि वो बच तो जाएगी ना, लेकिन शुक्रवार रात 11:10 पर उसे कार्डियक अटैक आया और 11:40 पर उसकी सांसों की डोर थम गई। ये बेटी तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई दर्द की वो दास्तां जिसमें दोस्ती, दोस्ती से प्यार, प्यार से शादी और फिर गैंगरेप जैसी हैवानियत थी। ये कहानी शुरू होती है 2 साल पहले, जब पीड़िता और मुख्य आरोपी दोनों परिवारों के बीच काफी अच्छे संबंध हुआ करते थे और दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना होता था। इसी बीच पीड़िता मुख्य आरोपी शिवम त्रिवेदी के संपर्क में आई और दोनों में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। शिवम ने पहले शादी का झांसा देकर पीड़िता का यौन शोषण किया, फिर शादी से मुकर गया। पीड़िता बार बार उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, तो शिवम हर बार किसी न किसी बहाने उसे टाल देता था। बाद में पीड़िता को बहलाने के लिए उसने कोर्ट से शादी के दस्तावेज भी तैयार करवाए, लेकिन फिर उसे धोखा देकर गायब हो गया। दिसंबर 2018 में पीड़िता ने एक बार फिर शिवम पर शादी का दबाव बनाया, तो शिवम ने उसे बातचीत के बहाने किसी जगह बुलाया। आने वाले पल से अनजान पीड़िता वहां पहुंची तो शिवम अपने दूसरे साथी शुभम त्रिवेदी के साथ था। इसी दौरान दोनों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं पीड़िता के परिवार का कहना है कि शिवम ने पहले उससे शादी की थी, जिसके बाद वो पीछे हट गया और फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब आरोपी के घर वाले उनके घर झगड़ा करने आए। इस दौरान उन्होंने पीड़िता के पिता को पीटा और गांव से निकल जाने का दबाव भी बनाया। पीड़िता ने जब खुद के साथ हुई हैवानियत की शिकायत करने की कोशिश की तो आरोपियों के रसूख के चलते पहले पुलिस ने उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं की। इसके बाद रायबरेली कोर्ट में पीड़िता ने अपील की। मार्च 2019 में कोर्ट ने वारंट जारी किया और तब कहीं जाकर इस मामले में केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद आरोपियों के घर वाले लगातार पीड़िता को धमकाते थे और पूरे परिवार को जलाकर मारने की धमकी देते थे। 1 दिसंबर को आरोपी शिवम जमानत पर रिहा हुआ। जेल में रहते ही उसने पीड़िता से बदला लेने की योजना बना ली थी। 5 दिसंबर की सुबह करीब 5 बजे जब पीड़िता कोर्ट के लिए स्टेशन जा रही थी तो शिवम ने अपने 4 साथियों के साथ रास्ते में उसे घेर लिया। मौत से पहले पीड़िता ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक पहले उन्होंने डंडे और चाकू से उस पर हमला किया और फिर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। पीड़िता इसी हालत में 1 किलोमीटर तक पैदल चली और फिर रास्ते में मोबाइल लेकर खुद पुलिस को पूरी वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने पहले उसे उन्नाव के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया और रात को लखनऊ से उसे दिल्ली लाया गया और 6 दिसंबर की रात पीड़िता ने दम तोड़ दिया।